हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं आज फिर से एक नया वाला वीडियो लेके आ चुका हूँ। इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कावासाकी की तरफ से कावासाकी का ही 125 सीसी का एक बाइक जो आपको हैरान कर सकता है, क्योंकि ये बाइक भारत के अंदर बिकता नहीं है, तो मिलता भी नहीं है और बिकता भी नहीं है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे इस बाइक के बारे में। तो आज इस वीडियो में इसी बाइक के ऊपर बातें करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इतने दिनों के अंदर तो अब सभी लोगों ने मैक्सिमम जो 125 सेगमेंट के अंदर बाइक आया था तो आपने देख ही लिया था, लेकिन अभी भी बहुत सारा बाइक है जो अभी तक आपने नहीं देखे होंगे। तो इनमें से ही एक बाइक ये है जो कावासाकी Z125 प्रो है। तो मैंने भी जब इस बाइक का न्यूज जब मैं पहली बार देखा तो मैं भी दो मिनट के लिए सोचने बैठ गया कि भाई कावासाकी अभी तक 125 सेगमेंट के अंदर बाइक बनाता है। मतलब कि पहले भी कावासाकी बाइक बनाता था इतना कम सीसी के अंदर, लेकिन वो बजाज के साथ जब पार्टनरशिप में आया था इंडिया के अंदर पहली बार तब ये बनाया था, लेकिन आजकल बनाते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं था। जब मैं देखा इस न्यूज को तब मुझे मालूम चला। और ये जो बाइक है ये बाइक इंटरनेशनल मार्केट में ही ज्यादातर बिकता है, भारत के अंदर अभी तक नहीं बिकता है। तो इसीलिए ही कावासाकी के तरफ से इंटरनेशनल मार्केट के लिए एक न्यूज निकल के सामने आया है जो है कावासाकी हैज अपडेट द 125 प्रो इन द US। मतलब US के अंदर ये अपडेट पेश किया कावासाकी के Z125 प्रो के अंदर। तो इसका मतलब तो यही है कि ये जो अपडेट आने वाला है US के अंदर तो वो 2022 में आने वाला है, ना कि 2021। तो ये बाइक टोटल चार कलर के साथ आता है, जैसे कि पर्ल सीलिंग येलो, मेटालिक फ्लैट स्पार्क ब्लैक एंड पर्ल रोबोटिक व्हाइट एंड कैंडी प्लाज्मा ब्लू। और इसी कावासाकी Z125 प्रो में जो इंजन आता है वो आता है 125 सीसी का एयर कूल इंजन और SOHC इंजन। और ये जो बाइक टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो है 9.62 Nm एट द रेट 6000 RPM। और ये आता है 4-speed मैनुअल गियर बॉक्स के साथ में। और ये बाइक एक चीज में दूसरे बाइक से काफी ज्यादा अलग है, जैसे कि इस बाइक के अंदर स्टैंडर्ड वारंटी मिलता है 12 मंथ का। तो ये जो डिटेल है इस डिटेल के अंदर बहुत सारा कुछ मिसिंग है, तो इसीलिए मैं सिर्फ टॉर्क ही बता पाया और BHP नहीं बता पाया। तो पहले बात तो इसके लिए सॉरी। और इस बाइक के अंदर जो फ्यूल कैपेसिटी है टैंक का तो वो है 7.57 लीटर। वैसे भी ये बाइक देखने में काफी बढ़िया और शानदार है, लेकिन इस बाइक का अगर आप कीमत जानोगे ना तो जानने के बाद शायद कुछ ना कुछ इस बाइक के बारे में गलत ही सोचने लग जाओगे, क्योंकि इस बाइक का जो कीमत है वो अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर लूँ तो 2.45 लाख बन जाता है एक 125 सीसी के बाइक के कीमत। 125 सीसी के बाइक के कीमत अगर 2.45 लाख बन जाता है तो भाई मैं उस बाइक को छोड़ के उससे भी कई ज्यादा अच्छा बहुत सारा बाइक है तो वो ले सकता हूँ मैं। क्योंकि अगर 2.45 लाख अगर एक 125 सीसी का बाइक के कीमत है तो उससे भी कई ज्यादा बेटर बाइक मुझे मिल जाएगा, जैसे कि डोमिनार हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना, ये बाइक कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप ऐसे ही नया नया वीडियो देख सकते हो हर दिन। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।